हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ बालसा मेहता। आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज संतान साथ हैं, आज संतान साथ की पूजा है। चलते हैं पड़ोस में और संतान साथ की पूजा करते हैं, वो आपको भी दिखाते हैं। चलते हैं, पूजा के लिए तैयार हो चुके हैं, थाली भी लगा चुके हैं, जा रहे हैं। देखो हम यहाँ पहुँच चुके हैं पूजा के लिए, यहाँ तैयारी भी हो चुकी है संतान साधे की। और ये मेरी पड़ोसन नीलम है, मेरी फ्रेंड। सब पूजा करते हैं हम। अब जिन ऐसा तो कोई गलत नहीं कि जो कोई है तो बेबी बेबी अभी तक पानी थे और बेबी से खेल ये हर हर और जैसे पेरेंट को दिया सही है कहीं नहीं गए जाए पर बात कहीं कि पूरा तो मुझे बनवा लो तो पेरेंट को मुझे तो मुझे तो लोग पेरेंट ये मुझे क्या पेरेंट है पुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर करने की दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत भगवत मत प्रेमी हैं और सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख रूपी कमल मुरझाए रहे हैं, मैं इसका कारण भी जानता हूँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव ऋषि,
दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। स्वाभाविक है इसी प्रकार हे देवकी, कभी राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुख रहा करती थी, जब उसने संतान प्राप्ति भ्रष्ट मनुष्य की भी भूल सुधार कर अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत का विधान नियम विधि से भी करवावे। इस व्रत के पुस्तक की क्षमकर 7 या 11 प्रतियां अपनी ओर से विस्तृत भी करें तो परोपकार होगा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करने अंत में सब लोग को प्राप्त होता है। हेलो गाइस, हम घर पे आ चुके हैं।
सबका साथ ही पूजा करके अब हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। जब तक लिए बाय, गुड नाइट, सी यू।